नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अनीता जी की लाडो बिटिया में मैं हूँ शिवांगी तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से अगेन डालीगंज मेला पहुंच गई हूँ और ना एक खुशखबरी ये है कि इस मेले की डेट बढ़ा दी गई है मतलब ये पूरा 18 फरवरी तक लगा रहेगा तो आप लोग अभी भी वो नहीं गया है ना तो फटाक से जाकर खूब ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया यहाँ पे अभी भी सामान है और भी मतलब सस्ता हो गया है पहले के अकॉर्डिंग और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया ना मेरे माइक में कुछ दिक्कत हो गई तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया फिर मैं घर आई तो मैंने देखा तो मेरा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं था तो मैंने कहा मैं क्या फिर से जाऊंगी और फिर से मेरी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी तो मैंने सोचा इसमें वॉइस ओवर दे देती हूं। आप लोगों को बढ़िया सा रेट सब मैं बता ही दूंगी और फिर से किसी और दिन जाऊंगी तो नया वीडियो बना लूंगी तो इससे मेरी दोनों मेहनत बेकार नहीं होगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मात्र पांच पांच रुपए में कप है और ये बहुत बढ़िया से है थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा वरना जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ ना ये सब ए क्लास के है तो जैसे डेली यूज में चाय वाय पीनी हो ना तो आप लोग इन सब कपों में पी सकते हैं कौन से गेस्ट हम लोगों के घर में देखने आ रहे हैं हम लोग कौन से कप में चाय पी रहे हैं तो आप लोग नॉर्मल डेली यूज में ये ले सकते हैं पांच-पांच रुपए बढ़िया है और यहाँ पे ना तुलसी गड़े भी हैं तो यहाँ पे छोटे बड़े के हिसाब से अलग-अलग रेट है तो ₹100 ₹150 ₹200 ₹250 ₹300 की रेंज में गए हैं और यहां पर ना बर्ड के लिए भी लोग मतलब अपने घर में लगाते ना जैसे चिड़िया आके बैठ सके तो वो भी है यहाँ पे सौ डेढ़ सौ रुपए में और ना पानी डालते ना पेड़ों में तो उसका भी आप लोग वो ले सकते हैं तो यहाँ पे सौ डेढ़ सौ रुपए में वो भी है तो यहाँ पे आप लोगों को अचार रखने के लिए मर्तबान चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पर इनके पास ना बड़ा वाला मीडियम साइज का था जो इनके पास सौ रुपए का है और एक डेढ़ सौ रुपए का भी है और इनकी दुकान पे ना ज्यादातर आप लोगों को डेकोरेटिंग आइटम देखे देखने मिलेंगे जो लोग गार्डन में सजाते नहीं है वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएंगे और फ्रेंड्स ये सब देखिए ये सब बाउल हैं तो ये सब आप बाउल में दाल सब्जियां सर्व कर सकते हैं तो ये बीस रुपए की हैं छोटी हैं और ये वाली देखिए थोड़ी सी बड़ी हैं और आजकल ये अमेजोन में भी बहुत ज्यादा मतलब चल रही है ट्रेंड में बड़ी सुंदर लगती हैं आपको भी सर्व करना हो डाइनिंग टेबल पर तो कर सकते ये वाली तीस रुपए की एक है मतलब पर पीस और इसमें देखिए ब्लू कलर में थी वो और ये इसमें देखिए यहाँ पर ये येलो कलर में भी है ये भी बहुत प्यारी सी है और यहाँ पर आप लोगों को मग लेना हो तो आप लोग ये मग ले सकते हैं बीस रुपए का सिंगल पीस है और यहाँ पर देखिए ये वाले चाय के कप है इसमें रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर है मात्र दस रूपये का एक पीस है तो आप लोग ले सकते हैं छे कप साठ रुपए के हो जाएंगे हो सकते है पचास रुपए में ये छे कप दे अगर आप बोलेंगे और तो यहाँ पर ये बहुत सारी आपको चीजें देखने मिल जाएंगी उसके बाद यहाँ पर देखिये चालीस रूपए की छे कप आपको मिल जाएंगे ये वाले कप भी डेली यूज में बहुत अच्छे लगते हैं व्हाइट में इसमें देखिए ब्लैक कलर की डिटेलिंग की गई है ये मतलब ज्यादातर ये व्हाइट क्रॉकरी है व्हाइट कप में इसके ऊपर ना बहुत अच्छी अच्छी डिटेलिंग की गई है और इधर वाले जो ये व्हाइट वाले कप है ये प्योर व्हाइट जो ये ना यहाँ पे सौ रुपए में है आपको यहाँ पे मग मिल जाएंगे बीस रुपए के और यहाँ पे देखिये छोटी छोटी कटोरिया आपको पाँच दस में मिल जाएंगी ये वाले भी मग देखिये आपको बहुत अच्छे है ये मात्र बीस रुपए में कहीं नहीं है सिर्फ इन्हीं की दुकान पे ये बीस रुपए के है ये जब बिल्कुल लास्ट में जाते हैं ना तब इनकी ये शॉप है तो आपको ना ये कप मतलब मैं पहले अपने बर्थडे के लिए यहाँ गिफ्ट लेने गई थी ना रिटर्न गिफ्ट में तो पहले मैं सोची ये ले लूँ बट फिर मैंने कहा यार दो बार कप दे चुकी तो नहीं लूंगी तो ये वाली जो शॉप है ना ये वाली भी शॉप बहुत अच्छी है इनके पास भी बढ़िया बढ़िया सामान है तो इनके पास देखिए सब कांच की गिलास हैं जो डेढ़ सौ रूपये दो सौ रुपए ढाई सौ रूपये की रेंज से स्टार्ट हो मतलब छ कप मतलब छह गिलासौ रुपए में ढाई सौ रुपए में मिल जाएंगी तभी तो मैं किसी दिन जाऊंगी तो ना मैं लेके आऊंगी यहाँ पर देखिये इनके पास ये प्लेटे है ये देखिये कितनी सुंदर है ये साढ़े तीन सौ रूपए की छे है और ये बड़ी वाली साढ़े चार सौ या पांच सौ रूपये की छे है बट एग्जैक्ट मुझे रेट याद नहीं बट आप जाइएगा तो देखिएगा वैसे ये मेला बहुत सस्ता है ये यहाँ पर इनके पास अच्छी क्वालिटी के ग्लास भी हैं जो साढ़े तीन सौ रुपए की छह हैं और ये माइक्रोवेव में रख सकते हैं इसमें केक वेक भी डाल के रख सकते हैं बेकिंग के लिए भी बहुत अच्छी है तो ये यहां पर ना दो सौ रुपये या तीन सौ रुपए की रेंज में थी ये यह यहाँ पे माइक्रोवेव बॉल है अगर आपको लेना तो छोटे बड़े के हिसाब से अलग अलग रेट है एक हंड्रेड का एक डेढ़ सौ का है फिर दो सौ का है फिर ढाई सौ तीन सौ के हैं फिर यहाँ पर देखिए इनके पास बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी तो बहुत अच्छी है इस मेले में मतलब जिनको क्रॉकरी लेनी हो ना कांच का अच्छा सामान लेना हो वो सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट यही मेला है इसके अलावा डाली इसके अलावा लखनऊ में और कोई मेला नहीं है जो क्रॉकरी हमारे मामले में चीपेस्ट हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल में आप लोग बहुत सारी चीजें सजा सकते हैं ये ढाई तीन सौ रुपए में है और यहाँ पर दो सौ से ढाई सौ की रेंज में तो चेहरा तो देख लीजिए भैया का और यहाँ पर देखिए इनके पास ना ये कछुआ भी आप गिफ्ट कर सकते ये भी बहुत शुभ होता है रखने के लिए तो ये मात्र डेढ़ सौ रुपए में है और विद सेट बहुत सुंदर है यहाँ पे कंटेनर भी आप लोगों को चाय पत्ती चीनी रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं तो यहाँ पे की दुकान में भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं तो आप जाकर ले सकते हैं यहाँ पर ये डिब्बे हैं जो सौ रुपए के तीन भी हैं कहीं पे और सौ रुपए के चार हैं कहीं पे और सौ रुपए के दो भी हैं मतलब बड़े साइज के अकॉर्डिंग है यहाँ पर इसमें आप आटा वाटा रख सकते हैं ये वाला बाउल आप लोग देख स, देख रहे हैं ये शायद सौ रुपए का की डेढ़ सौ का है, ऐसी रेंज का है क्योंकि ना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है और उस टाइम माइक वाइक काम नहीं किया ना तो अब रेट पता नहीं बट ये अगर सौ रुपए के भी है और डेढ़ के भी तो रेट अच्छा है इसमें आप चावल वावल रख के सर्व कर सकते हैं ये वाले डिब्बे में ना Water रख सकते पहले मैं सोच रही थी ना ये रिटर्न गिफ्ट अपनी दोस्तों को देने के लिए चाहिए थे भी ऐसी डेढ़ सौ रुपए दो सौ रुपए की रेंज में है और यहाँ पर ना अभी आपको मैं एक चीज दिखाती दी ये देखिए ये बहुत अच्छा आपको इसको गिफ्ट करना हो तो कर सकते ये सौ रुपए या डेढ़ सौ रुपए की रेंज में तो ये बहुत सुंदर है और यहां पर देखिए ये ट्रे मुझे ना यहाँ पे इतनी सुंदर लगती है मेरा मन होता है मेरा भी खास घर बढ़िया सा होता है ना तो मैं भी ये रख लेती हूँ बढ़िया तो है ठीक ठाक है बट ना ये सब चीजें हम लोगों से नहीं संभाली जाएगी हम लोग तो तोड़ फोड़ देंगे इतना हम लोग जल्दी जल्दी में काम करते हैं यह ये यहाँ पर देखिए आप ना इसमें आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं या रसगुल्ला भी रख के दे सकते हैं ये यह यहाँ साढ़े तीन सौ रुपए में छह पीस हैं तो ये बहुत अच्छा है और इसमें ना छोटे में भी मतलब मिल जाएंगे वो थोड़े कम रेट के हैं ये यहाँ पर देखिए हंड्रेड रुपीज का आपको बड़ा सा जूस वाला ग्लास मिल जाएगा ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये भी हंड्रेड रुपीज का ढक्कन लग, लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे मतलब हंड्रेड रुपीज डेढ़ सौ रुपए की रेंज में वो क्वालिटी में थोड़ा ना फर्क हो जाता है उसी के हिसाब से कहीं दुकान पे आपको सौ का मिलेगा कहीं की दुकान में आपको डेढ़ सौ का मिलेगा बट थोड़ी सी क्वालिटी में अंतर हो रहा है ये चीज मैंने वहां पे देखी है जाके और यहाँ पे आप लोग ना वो ग्लास व्लास ले सकते हैं और यहाँ पे ये देखिए ये भी गिफ्ट गिफ्ट करना हो ना तो बढ़िया सा है ये हंड्रेड रुपीज में क्या बुरा है ये किसी कोई बच्चे का भी बर्थडे डे ना तो उसमें भी दे सकते हैं और सौ डेढ़ सौ रुपए में सामान कुछ भी लेने जाओ अच्छा मिलता नहीं तो ये सब ला के रख लो ना उसके बाद गिफ्ट कर लो ना तो बढ़िया है ये भी देखिए यहाँ पे हंड्रेड रुपीज का है इसमें आप कुछ भी मतलब रख सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें ये यहाँ पर देखिए ये भी हंड्रेड रुपीज़ का गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को और इतना प्यारा सुंदर से लगेगा पहले मेले से ला के रख लो फिर बाहर में जब मेला खत्म हो जाए तब किसी को गिफ्ट करो ना तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि लगेगा उसको तो महंगा है डेढ़ दो सौ का बाहर मार्केट में मिलता है तो ये सब आप कटोरी भी ले सकते हैं तो ये सब देखिए यहाँ पे बड़ी छोटी के हिसाब से कटोरियां हैं तो ये यहाँ पर ना कुछ साढ़े तीन सौ की हैं कुछ साढ़े पाँच सौ रुपए की हैं छह कटोरी यहाँ पे देखिए ये बाउल है इसमें आप सब्जी चावल कुछ भी मतलब सर्व कर सकते हैं तो ये यहाँ पे दो सौ रुपये का है शायद ये बाउल डेढ़ सौ दो सौ का है मुझे याद नहीं है ये माइक्रोवेव फ्रेंडली है और ये यहाँ पर देखिये ये सुंदर सुंदर सी प्लेटें आप लोग ले सकते हैं ये ढाई सौ रुपये दो सौ अस्सी रुपये और तीन सौ रुपये में छह ऐसी रेट की है क्वालिटी फाइव की है ये सब तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी अगर आपको कन्याओं को भी देना हो ना तो ये लाकर यहाँ से रख सकते हैं बाद में लोने जाते हैं ना कन्याओं के लिए तो कुछ बढ़िया मिलता भी नहीं और महंगा भी मिलता है और आप ढूंढेंगी ना तो बीस रुपए में भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आपको प्लेटें मिल जाएंगी ये देखिए साढ़े तीन सौ रुपए में बड़ी वाली है जैसे वो नहीं खाना वाना सर्व करने के लिए तो यहाँ पर देखिए ये कुरान रखने के लिए बुक है वैसे इसमें सुंदरकांड भी रख सकते हैं बट ये ज्यादातर मुझे लगता है कुरान के लिए ही है और ये इसका रेट मुझे याद नहीं आ रहा है कितने रुपए का अगली बार मैं जाऊंगी ना तो मैं ना फिर से वीडियो का बनाऊंगी और रेट उसमें आपको बता दूंगी तो यहाँ पर आप लोगों को डिनर सेट भी मिल जाएगा जो यहाँ पर पच्चीस सौ से स्टार्टिंग है बार्गेनिंग करेंगे तो आपको कम रेट में भी मिल जाएगा ये सब आपको यहाँ पे देखिए ट्रे देखिए कितनी सुंदर सुंदर है ये यह यहाँ पर डेढ़ सौ रुपए में है बट आपको एक सौ बीस रुपए में सौ रुपए में आराम से दे देंगे कुछ यहाँ पे एक सौ बीस रुपए की भी है जो आपको हंड्रेड रुपीज में दे देंगे जैसे ये सब जो ट्रे है ये हंड्रेड रुपीज की है यहाँ पर तो इसमें ना ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया है ये वाली देखिए ब्लैक कलर की है ये हंड्रेड रुपीज की है मैंने भैया से रेट पूछा था ना तब पता चला था ये वाली डेढ़ सौ रूपए की है तो अगर आपको किसी को ना वो बर्थडे पार्टी में चाहिए तो आप ले सकते हैं इसमें व्हाइट कलर की भी, भी क्रॉकरी में है ये वाली देखिए आई हूँ अभी मैं जाऊंगी ना तो मुझे ट्रे ट्रेवरे और लेके आनी लेके आऊंगी मैं मेरे घर के पास तो है मेला कहने के लिए बट मैं भी नहीं जा पाती हूँ इतना क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है और ये सब मेला जाओ ना तो खर्चा बहुत होता है ये हंड्रेड रुपीज के बाउल है तो में आप चौमिन वाउमिन रख के सर्व कर सकते हैं ये भी देखिए हंड्रेड रुपीज का है कितना बढ़िया है और कटलेट जैसे बनाया ना तो कटलेट बना के भी सर्व करना होता है इस पे भी रख के सर्व कर सकते हैं ये वाली प्लेट देखिए कितनी सुंदर है और इसमें देखिए रख के ना डाइनिंग टेबल पे कटलेट बना लिया या कुछ भी बनाते हैं ना जो भी मतलब सामान बना के रखो ना तो बहुत सुंदर है ये देखिए ये यहाँ पर ना का प्लेट बहुत सुंदर है मतलब ये पूरी क्रॉकरी सेट है ये वाली ये वैसे ग्यारह सौ का बता रहे थे बट इन्होंने लास्ट प्राइस नौ सौ रुपये के किया इसके बाद ये कम ही नहीं कर रहे थे हम लोग बोल रहे थे सात सौ आठ सौ में दे दीजिए बट नहीं किया कोई दुकान कम नहीं कर रहा था तो नौ सौ रुपये इनका लास्ट था और ये देखिए यहाँ पे ना ये कॉकटेल वाला है ये वाला सेट आप देख रहे हैं दो सौ रुपये में पूरा है उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पावदान की शॉप ना दो ही तीन जगह है बट ये वाली ना सबसे सस्ती है आप यहाँ से जाकर लेके आइएगा फिलहाल देखिए हमने ना अभी इन पावदानों को धुल के, धुला नहीं है तो अब हमें नहीं पता कलर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने ये पावदान लिया तो कमेंट्स करके मुझे बताइए मुझे और लेना है तो अभी मैं जाके लूंगी बट उससे पहले हो सकता है मैं घर में पहले ही अपने पावदान धुल लूँ तो ये यहाँ पे देखिए बड़े बड़े कालीन टाइप के हैं जो साढ़े तीन सौ रूपये में हैं और थोड़ा बार्गेनिंग आप करेंगे ना तो ये बार्गेनिंग कर देंगे इनकी शॉप पे तो ये कम कर देंगे ये यहाँ पर देखिए सब ये सब आपको लंबे लंबे पावदान मिल जाएंगे बेड रनर टाइप के तो यहाँ पे दो सौ रूपये के हैं तो डेढ़ सौ में आपको आराम से दे देंगे ये क्योंकि मैं लेके आई हूँ और यहाँ पर देखिये ये सब पावदान है जो सौ रुपए के तीन है पचास रुपए का है एक सिंगल मतलब क्वालिटी के हिसाब से है तो ये वाला देखिये ये सौ रुपए के तीन है तो आप इनकी शॉप से लेके आएगा एक दुकान से मैं लेके आई हूँ उन्होंने हमको सौ रूपए के दो दिए ठग लिया है यही सेम चीज है तो ना यहाँ पे ठगते भी बहुत है मतलब मैं ठग के आई सोच लीजिए हो सकता है क्वालिटी में अंतर हो मोटे पतले मुझे नहीं पता बट मुझे तो लगा ना मैं ठग गई हूँ आप इनकी शॉप पे जाइएगा ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन भी बता रही हूँ तो इनकी शॉप में ना पावदान सस्ते भी है और बार्गेनिंग करेंगे तो कम भी कर देंगे पचास साठ रुपए तो आप लोग यहाँ से जाके ला सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा आशा करूंगी आप इस वीडियो को पहले जैसे सब प्यार देंगे और आप कमेंट्स करके बताइएगा मैं और भी वीडियो या डालीगंज के बनाऊ कि नहीं तो जल्दी ही आपको दूसरी वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय